Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel, Ice Lake Gaming. Guys, I know दो दिन से कोई अपलोड नहीं किया, बट मेरे पास एक रीज़न है. मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी और उनमें टेस्ट चल रहे थे, तो टेस्ट के चक्करों में ज्योग्राफी एंड मैथ्स का टेस्ट था, उन टेस्ट्स के चक्करों में मैं वीडियो ना बना पाया ना अपलोड कर पाया. तो फिर से डेली अपलोड्स पे आ जाते हैं गाइस, कल मिलेंगे दोबारा, आज भी देखो ये वीडियो. अच्छा, बाय द वे, ये चैलेंज है, किसी ने कमेंट किया था कि लेवल 1 का पूरा सामान रखना है, बैग, हेलमेट, वेस्ट एंड गन भी सिर्फ एक ही रख सकते हो, दो गन. तो वो चैलेंज किया, सो एंजॉय. गाइस, यहाँ तो हम पुचिंकी को आज हॉट ड्रॉप लेके उतर गए, बट यहाँ कोई भी नहीं आया, तो यहाँ से खाली आज जाना पड़ा, मतलब गन्स मिली बिना किल्स के जाना पड़ा, सिर्फ एक आध बॉट आया था. और गाइस, ये हैवी डे नाइट मैच, पता नहीं कितनी देर बाद लगा डे नाइट मैच, मुझे लगा था ठीक है कोई नहीं वापस आए, अभी भी डे नाइट खेलते हैं डे नाइट. अब यहाँ से हम लोग लूट पाट करके अपने निकल ही रहे थे. मैं अपने टीममेट्स को बोल रहा हूँ उनको ड्राइव करने दो, बट कोई ड्राइव करने नहीं दे रहा मुझे. उतनी देर में यूएसजी और एक पूरी स्क्वाड आ गई यहाँ. यहाँ पे सीधा पुश कर दिया हमने. और एक पूरी स्क्वाड को क्रेट में विकसित कर दिया. लेकिन जब तक हमने ये सब किया, एक गाड़ी और आ गई, और एक गाड़ी में बंदा पता नहीं क्या ही चुन मची हुई थी भाई, गाड़ी से उतर गए. क्या भैया, इसको भी विकसित कर दिया हमने, क्रेट में विकसित कर दिया. अब ये गाड़ी सीधा चर्च पे आके रुकी है. उन्होंने हमारा एक बंदा नॉक किया, बदला तो लेना है ना भाई. ये बंदा बहुत, मतलब भाई टिप से भगा है बंदा, इसका हेलमेट दिख रहा था, एक आध गोली लग जाती है, थोड़ा लो हो जाता है. ये मेरे टीममेट चुप नहीं कर रहे थे, मैंने इनको म्यूट कर दिया. अब यहाँ मैं इनका आखिरी बंदा जो उनका भागा था उसको ढूंढ रहा हूँ. तो मैं रोटेट कर रहा था यहाँ पे, मेरे को बंदा अब तक देख नहीं रहा था कहीं, बट मेरे को इतना पता था पीछे को भागा, तो मैं सीधा उधर ही जा रहा था जिधर को ये भागा. उनका आखिरी बंदा देख ही नहीं रहा था, और जब तक मैं ढूंढता तब तक मेरे टीममेट ने मार दिया. इस गेम प्ले की सबसे बढ़िया बात कि पूरा गेम प्ले का साउंड रिकॉर्ड हुआ. कैसे होता है मेरे को नहीं समझ आती. अच्छा, उसको छोड़ते हैं. अब यहाँ से डासिया निकली, तो हमने उसको फॉलो किया, और गाड़ी थोड़ी ग्लिच थी, टर्न नहीं कर रही थी. यहाँ मेरे से गाड़ी ज़रा पत्थर में टूट गई, और ये लोग सीधा, ओके मैं क्या ही कहूँ, मेरा थोड़ा स्प्रे लिया. अभी एक बंदा तो नॉक कर दिया, अबे गाड़ी की स्किन देखो कितनी ओपी लग रही है भाई साहब. भाई साहब, एक बंदे के लिए जितनी तबाही मचाई ना अभी हमने, मतलब अब यहाँ पे मैं बंदा ढूंढ रहा हूँ, मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा था, बहाना उसमें था वो, इतना मेरे को बाद में पता चल गया था.
पहले तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा था बिकॉज गन शॉट यहाँ से आया, मैं चेक कर रहा हूँ कि बंदा कहाँ है, मुझे कोई दिख नहीं रहा था, बट यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ. अब यहाँ हमारा पहला चोरी हो गया, तो मैं हॉस्टल में चालू कर लिया. जब तक मैं पहुँचा उन्होंने इसको ख़त्म ही कर दिया. अब मैंने एक मोनी डाली सुमित पे, ये बैठे हुए मेरे यहाँ नहीं थे. पीछे से जोन आ रहा था तो मेरे को भागना पड़ा क्योंकि काफी डैमेज देता. जब तक मैं भाग रहा था मेरे टीममेट ने रश कर दिया उन पे, उन्होंने उनको तो मार दिया आखिरी बंदा क्योंकि उनका जोन से मर गया. इसने उनको तो मार दिया बट ये बेचारा अपने टीममेट का बदला लेने के चक्कर में जोन के बाहर ही शहीद हो गया. आरआईपी ट्रिप. यहाँ मैं हमारी गाड़ी लेके यहाँ से निकाल ही रहा था, उतनी देर में मेरे टीममेट को कारंटी का शॉट पड़ा. तो मैंने उसको कहा भाई जल्दी गाड़ी में आके बैठ अभी, तो क्योंकि अगर ओपन में भी हील करते तो बंदे और मार सकते थे. तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कहीं रिज पे या कहीं रुकूंगा, बट ये बंदा मेरा टीममेट पागल ही हो गया. वो बोल रहा है भाई गाड़ी रोक हील करना, बट मेरे को इतना पता था कि बंदे इधर ही आ, तो मैं सामने वाली रिज पे रोकने का सोच रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली बंदे वहीं पे थे. यहाँ मेरा टीममेट चलते गाड़ी से उतर गया तो मैंने गाड़ी इधर आके रोकी. अभी तो यहाँ कोई बंदा नहीं है, यहाँ रिज पे अभी तो कोई बंदा नहीं दिख रहा, बट एंड में देखना है यहाँ पे क्या सीन होने वाला. मैं कुछ ना कुछ करके स्नाइपर टावर के अंदर आ गया. यहाँ आके पहले मैंने कोने में जाके हील किया और इन बंदों ने नेट डाले, बट सारे नेट नाकामयाब हो गए. फील करके मैं विंडो से कूद गया एंड इन बंदों पे रश कर दिया. एक नॉक और मेरी गन जिधर पे गई. अब यहाँ आपने देखा क्या हुआ अभी, मतलब यार जिस रिज से मैं आया था उसी रिज पे बंदा स्नेक बन के बैठा हुआ था और उसी ने मेरे को क्रेट में विकसित कर दिया. अब क्या एक स्नेक्स पबजी में बहुत होते हैं. एनीवेज गाइस, अगर आपको गेम प्ले पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके बताओ अगला चैलेंज कौन सा करूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. पीस आउट.